अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं, मैं, काशान और ज्ञान, हम तीनों बाप बेटे जा रहे हैंगे। नेटी जेटी ये अम्मा बेटे दोनों घर में रहेंगे, तो चलते हैं साथ में। आज काशान भाई की फरमाइश पे जा रहे हैं। मच्छरों को खाना खिलाने जा रहे हैं। हाँ, तो ये काशान भाई की फरमाइश थी जो उनकी पूरी करने जा रहे हैं हम, तो चलते हैं, आप भी चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और छोटू ने हमें रात में तंग करा है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा तंग करा है, ज़्यादा नहीं करा। माशाल्लाह भी सही है, बहुत सेट है, अल्लाह का शुक्र है, तो टेंशन नहीं इनकी। बाकी जुम्मा मुबारक आप लोगों को हमारी तरफ से, और जा रहे हैं अब ये लोग सुकून से। मैं सोऊंगी अभी, सोने नहीं डाले तुम्हें ये सुकून से। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, आज मैं क्या बना रही हूँ, आप झलकियाँ देख लें, थोड़ी सी वापसी आके रेडी होगा वो खाना। तो गाइस, ये देखें, मच्छियों को खाना खिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तीनों भाई शेरियार, काशान और ज्ञान, तीनों लगे हैं आटा फेंकने में। काशान भाई क्या हुआ? मैं से नहीं जा रहा। आप ऊपर बैठ जाओ ना, वो जा रहा। चलो फेंको, गरम हो रहा है। सो गाइस, अभी हम आए हैं ज्ञान काशान की शूज लेने। मेरी हालत देखे आप, क्या होगी यार। काशन भाई, आपने कौन से लिए? लाइट वाले शूज लिए हैं, ले लिए है। कहाँ पर है? काशन भाई के यार अच्छे भी हमने ले लिए हैं, और टिंडी भाई भी आए हमारे साथ देखने, है ना। सो गाइस, हम लोग घर आ गए हैं और शॉपिंग भी कर ली हमने, और आपने देखा काशान ने बहुत तंग किया हुआ था, नहीं तो सारी चीज़ें दिखाता। ये भालू जो है ना, बहुत तंग करता है मुझे, ख़ास तौर पे मुझे। तो अपने शूज़ लिए हैं काशान के, ज्ञान के शूज़ लिए हैं, बाकी कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिए इन दोनों के। ज्ञान का स्कूल का यूनिफॉर्म लेना था, वो लिया। ये रहा यूनिफॉर्म, बाकी सामान ये रहा सारा, शूज़ वगैरह। थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम हो गई थी, घर आया तो फिर थोड़ा सा जो है ना दिमाग करप्शन हो गया, तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। आते ही देखे मोबाइल में लग गए, ये छोटू सो रहे हैं और ये भी आते ही मोबाइल में लग गए। और गाइस, मैंने बनाया है आज पाया और होटल की रोटी। मैं खाना खाने बैठी, मैं रेसिपी इसलिए नहीं दिखा पाई आप लोगों को क्योंकि ये मोबाइल लेके चले गए थे। तो ये देखें पाया बना है, बाकी डब्बे में जो रेसिपी होती है मैंने उसी तरीके से बनाया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, मैं ये बड़ा सा खाऊंगा। सो व्यूअर्स, अभी हम लोग खाना वाना भी खा लिया, हम लोगों ने फारिग हो गए, हम अयाज वहाँ सो रहे हैं, छोटू और अयाज सो रहे हैं, और काशान यहाँ बैठे मोबाइल चला रहे हैं, ज्ञान बाहर है। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है आज। और ये जो डिश बन रही है, दो डिशें बन रही हैं, ये मेरी सास के हाथ की, हम लोग हर साल, ये जो बकरा ईद होती है, गोश्त वगैरह आता है, हर साल हम लोग हमारी सास से बनवाते हैं। तो इस साल भी वो बना रही हैं, और वो हर बार यही कहती हैं कि अल्लाह पाक ने जब तक ज़िंदगी दी है मैं तुम लोग को खिला दूँ अपने हाथ के, फिर ज़िंदगी नहीं रही तो याद करोगे, लेकिन अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे। और वो हर साल हमें इसी तरह खिलाती रहें, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या तैयारी करी है और वो हमें क्या बना के खिला रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये है पुदीना, और इसमें है प्याज, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, ये सब बारीक बारीक कटिंग हुआ हुआ है, सही है ये है। और मैं तो अभी अंगूर खा रही थी, मैं पहले आप लोग को बताती हूँ ये है। और ये देखें, ये अभी पीस के लाई है मेरी सास, कोफ्ते हैं ये, और ये चटनी है। तो अभी वो आ जाएं, अभी एक डिश और लेकर आ रही हैं वो, तो मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ है। अभी ये चटनी है और ये कोफ्ते हैं, अभी हम बनाएंगे इसमें चटनी भरे कोफ्ते। सो गाइस, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि चटनी भरे कोफ्ते कैसे बनते हैं मेरी सासू माँ के हाथ के, और बहुत यमी और बहुत टेस्टी कोफ्ते बना दी हैं। मुझे तो नहीं आते कोफ्ते बनाना, आते लेकिन मतलब वो जायका नहीं आता जो मेरी सास के हाथों में आता है।
तो अभी जब बनाना स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। सो गाइस, मैंने आपके सामने ये धनिया लगाया था, जब इसका अंदर धनिया लगा था, अभी देखें माशाल्लाह से मेरा धनिया निकलना शुरू हो गया। ये देखें मेरा धनिया बनना शुरू हो गया, तो कुछ टाइम में ये सही हो जाएगा, बड़े बड़े हो जाएंगे। अभी आपके सामने देखें अच्छे खासे बड़े बड़े हो गए। ये देखें मेरी सासू माँ कबाब बना रही हैं। किसके लिए बना रही हो? अपने बहू बहनों के लिए बना रही हूँ, जब तक मेरी जिंदगी में बना के खिला दे रही हूँ, मर गई तो फिर ये बच्चे भी खाएंगे। अल्लाह पाक जिंदगी दे आपको, हर साल हमें खिलाएंगी आप ये बना बना के। हाँ, इतनी लंबी उम्र। आपके पोते भी इतने आयाज जितने बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तब भी आप बना बना के देना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बुढ़िया को अम्मी से काम करवाते रहेंगे हम हर साल में एक दफा। ये दादी की दुम है, ये दादी के साथ साथ बैठा रहता है ना। सो गाइस, ये देखें दोनों सास बहुए लगी हुई है, एक तरफ कबाब बन रहे हैं और एक तरफ कोफ्ते बन रहे हैं। सामान मसाला मैंने दिखा दिया था और मैंने आपको बताया भी था ये मेरी सास की तरफ से है। मेरी सास के हाथ के कोफ्ते बन रहे हैं, ये बन रहे हैं चटनी भरे कोफ्ते, इसके अंदर चटनी भरी जाएगी। तरीका दिखाएं किस तरह चटनी भरी जा रही है। चटनी भरी, इसमें धागा लपेट दिया, धागा लपेट के फिर उसको तल के, तल के चार नीचे खा लो, केचप से ये मसाला भुना भुना से खा लो। सही है भाई, जैसे दिन चाहे वैसे खा लो आप लोग। और ये मेरे सास की रेसिपी है, ये तैयार हो गया बात। और ये आयास के फेवरेट है चटनी भरे, ये आयास के लिए बनते हैं, खासतौर पर मेरे लिए सादे बनेंगे आयास के चटनी भरे कोफ्ते। तैयार हो जाती है तो फिर मिलते हैं। सो गाइस, ये देखें कोफ्ते तैयार हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ये चटनी भरे कोफ्ते हैं, इनको बांध दिया गया है धागों से, तो ये कबाब भी तैयार हो गए हैं। तो गाइस, ये दोनों डिशें तैयार हो चुकी हैं, बाकी अब मिलते हैं आपसे। सो गाइस, देखा आपने कबाब भी देखे, कोफ्ते भी देखे, और आज हम लोग बाहर गए, आपने वो भी देखा होगा। मैं जियान, काशान और विद शेर यार, हम तीनों गए, काशान भाई की फरमाइश थी जाने की तो बस चले गए। तो आप कुछ बोलेंगे? आप मैं ये बोलूँगी मैं थक गई, सासू माँ के साथ हेल्प करवाई है मैंने। तो गाइस प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और अपना मोहब्बत और प्यार ऐसे ही कायम रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।